डेंगू पीड़ितों की संख्या कम नहीं हो रही। सोमवार को भी 5 लोग डेंगू पीड़ित मिले। इनमें 4 शहर तथा 1 ग्रामीण क्षेत्र का है। अब जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या 38 हो गई है। जिला अस्पताल में मिले 4 रोगियों में से 2 राप्ती नगर व 1 जगन्नाथपुर इलाके का निवासी है। एक मरीज खजनी क्षेत्र का है। इसके अलावा BRD मेडिकल कॉलेज में मिला एक मरीज भी शहर का ही रहने वाला है। जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज को सोमवार को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया। जिले में 15 अगस्त के बाद से ही लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि डेंगू से बचाव का एकमात्र उपाय स्वच्छता है। अपने घरों के आसपास कहीं भी स्वच्छ जल एकत्रित न होने दें। हमेशा पूरे आस्तीन का कपड़ा पहने, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, जिससे डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, देखिए डेंगू के मरीजों की संख्या अगर हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में करें तो लगभग बराबर ही है। 1-2 केसेस हमारे यहाँ इस समय वर्तमान समय में 38 केसेस निकले हुए हैं और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग ट्रेंड बराबर ही है। किसी दिन 1-2 ज्यादा हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, किसी दिन शहरी क्षेत्र में। तो बेसिकली अब लोगों की रहने सहने की जो होती है हैबिट्स एंड कल्चर्स ग्रामीण और शहर में काफ़ी कुछ मिट चुका है, इसलिए सब जगहों पर होती है। साफ सफाई पर ही डेंगू जो होता है बेसिकली साफ सफाई पर ही डिपेंड करता है। तो गांव का वातावरण कंपेरेटिवली साफ होता है, लेकिन जहां पर आबादी होती है वहां पर भी जल भराव की स्थितियां अक्सर बनी रहती हैं, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, डेंगू के सब लक्षण क्या है और किस वक्त ये मच्छर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या फिर लोग कैसे इससे बचें? देखिए डेंगू के मच्छर बेसिकली जो होते हैं ये अंधेरे में काटते हैं और थोड़ा सा सुबह शाम के समय ये ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर दिन में भी अगर अंधेरा रहे तो वहाँ उजाला करके रखना चाहिए, जिससे मच्छर ये काटे ना। अच्छा, डेंगू के मच्छरों की खास बात ये होती है ये स्वच्छ जल में पनपते हैं। तो इसीलिए हम लोगों से कहते हैं कि अपने घर में कहीं पर भी स्वच्छ जल एकत्र ना होने दें। और इसीलिए हम लोग सबको सलाह देते हैं कि घर में पानी की टंकियों पर ढक्कन लगा के रखें। जहाँ पर पानी छत पर अगर आपके कहीं स्टोर हो रहा है, जहाँ पे टूटे फूटे बर्तन रखे हैं चिड़ियों के दाना डालने के लिए हैं, या फ्लावर पॉट पड़े हुए हैं, या रेफ्रिजरेटर के पीछे की ट्रे है, तो उन सब जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें पानी प्रत्येक सप्ताह। और ख़ास बात यह होता है जैसे कूलर के प्रयोग करने वाले लोगों को देते हैं कि वो प्रत्येक सप्ताह कूलर को अच्छी तरीके से रगड़ के साफ करके उसमें स्वच्छ जल रखें। वैसे जल भरने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग अभी चलाते हैं, उनको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वहां पर पानी उसमें प्रत्येक सप्ताह अवश्य बदल दिया करें। इसके साथ साथ लोगों को मैं एक सलाह और देता हूं कि पूरी बांह का कपड़ा पहनना चाहिए, शरीर का जो खुला भाग हो उस पर मच्छर रोधी क्रीम लगाना चाहिए, अपने घरों की खिड़कियों पर जाली लगा करके रखना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि सुबह शाम के समय अपने घर के खिड़की दरवाजे को बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि इसी समय मच्छर घरों में ज़्यादातर आते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और कहता हूँ कि अगर कोई पशु पक्षी अगर आप पालते हैं तो उनको घर के आवास से दूर रखा करिए। देखिए डेंगू का फीवर जो है कोई एक अलग से फीवर नहीं है, ये वायरल फीवर का ही एक रूप है। ये वायरल फीवर ही जब तक किसी हम लोग पहचान नहीं किए थे वायरल फीवर की श्रेणी में आता है। इसकी खास पहचान ये होती है कि इसमें पूरे जोड़ों में बदन में बहुत तीव्र तेज दर्द होता है और ये तकरीबन जो है 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन लक्षणों के आधार पर लोगों में जैसा देखा गया है कॉमन कंप्लेंट्स होती है मरीजों की कि हमारी आँख के पीछे जो है काफ़ी तेज दर्द होता है, कभी कभी बदन पर चकत्ते लाल दाने खुजलाहट हो जाती है, कुछ मरीजों में पेट दर्द की भी समस्या होती है, कुछ मरीजों में गले में खराश की भी समस्याएं होती हैं, कुछ लोग ऐसी भी बताते हैं कि रिकरेंट उनको उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द भी होता है। देखिए स्वास्थ्य विभाग की हमारी 38 टीमें हैं जो वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। जहां से भी केसेस निकलते हैं वहां पर वो जाती हैं। उनका सर्वप्रथम काम एक तो होता है प्रिवेंशन के बारे में लोगों को बताती हैं, मच्छरों से कैसे बचाव किया जाए जिससे कि हम बच सकें, सोर्स रिडक्शन करती हैं, अगर मच्छर उनके घर में या उनके चारों तरफ अगर मच्छर कहीं
का उनका सोर्स मिलता है तो उसे डिस्ट्रॉय कराते हैं। और जो हमारी ग्राम पंचायत नगर निगम की और जो है पंचायत विभाग की जो टीमें होती हैं उनको सूचना देते हैं कि वहाँ पर लार्वीसाइडल और स्प्रे कराया जाए और फॉगिंग कराई जाए। इसके अलावा जो लोग बीमार होते हैं उनके उपचार की व्यवस्था कराई जाती है, उनको 108 102 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भर्ती करा करके उनको उपचार कराया जाता है।